नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बच्चों आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं, कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारियां कि भाई आपके आईओटी में कितने प्रकार के नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं। पहली चीज बच्चों, मैंने पुराने प्रीवियस वीडियोज में आपको ये बताया है कि आईओटी होता क्या है। आप जानते हो आईओटी एक ऐसा नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज का, विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्लाउड भी है, जिसमें सेंसर्स भी हैं, जिसमें डिवाइसेस भी हैं, जिसमें यूजर्स भी हैं, जिसमें एप्लीकेशंस भी हैं, जिसमें डेटाबेस भी है, जिसमें बिग डेटा भी है, डेटा एनालिटिक्स भी है, एआई भी है, मशीन लर्निंग भी है। आज आईओटी शायद दुनिया की सबसे चमत्कारिक और शानदार टेक्नोलॉजीज में से एक है जो इंसान के जीवन को निरंतर बदल रही है। आईओटी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन भविष्य ऐसा है कि आने वाला वक्त आईओटी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं कि आईओटी में कितने प्रकार के नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, फिर हम आपको नेटवर्क्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो नेटवर्क क्या होता है बच्चों? इट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स। नेटवर्क बच्चों आपका कलेक्शन होता है किसका? नोड्स का, कनेक्टेड थ्रू एनी मीडियम, जो कि बच्चों जुड़े रहते हैं किससे? किसी भी मीडियम का मतलब माध्यम से। वो माध्यम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। यहां नोड क्या होता है? व्हाट इज दिस नोड? तो कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस जो डेटा बच्चों भेज सकती हो या डेटा को रिसीव कर सकती हो, उसको हम लोग नेटवर्क की भाषा में टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं बच्चों, नोड कहते हैं। कोई भी वो डिवाइस जो डेटा को सेंड या रिसीव कर सकती है नेटवर्क में, उसे हम लोग बच्चों नोड कहते हैं। और याद रखिएगा, कलेक्शन आपके नोड का जो कनेक्ट होता है मीडियम से, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग नेटवर्क्स कहते हैं बच्चों। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि व्हाई नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट, व्हाई नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट इन आईओटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय मैंने आपके साथ रेस किया है कि नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है आईओटी में, इतना महत्व क्यों है बच्चों। तो आईओटी में आप जानते हो कि क्या होता है आपके बच्चों? सेंसर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ये आपके सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स डेटा कैच करते हैं कहां से? दे कैच डेटा फ्रॉम एनवायरमेंट। ये बच्चों एनवायरमेंट से डेटा लेते हैं। कैसा डेटा लेते हैं? लाइव डेटा, जिसे हम एनालॉग डेटा भी कहते हैं। एनालॉग डेटा जो निरंतर परिवर्तनशील है। अब ये सेंसर्स तुम्हारे डेटा को बच्चों गेटवे, किसकी मदद से? गेटवे, जिसको कि आप नेटवर्क्स भी कहते हैं, इसको कहां पहुंचाते हैं? इसको पहुंचाते हैं क्लाउड पर। देखते जाइए, अब क्लाउड पे क्या होती है? आप जानते हो क्लाउड पे सारी प्रोसेसिंग होती है आईओटी में। क्लाउड पे बच्चों प्रोसेसिंग होती है। क्लाउड को आपके आईओटी का ब्रेन भी कहते हैं। यहीं पर सारा कुछ होता है और उसके बाद फिर हमारा नेटवर्क्स यानी गेटवे के द्वारा डेटा कहां पहुंचता है? एप्लीकेशन के पास, जिसको कि हम लोग यूजर भी बच्चों कहते हैं। ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो बताओ बच्चों, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है तुम्हारे आईओटी का। दिस इज द वन एंड, दिस इज द अनदर एंड। और इन दोनों एंड के बीच में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी जुड़ी हैं किसकी मदद से? नेटवर्क्स की मदद से। अगर ये नेटवर्क ना हो तो बेकार है, आईओटी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सेंसर्स कहां है? कहीं दूर दराज।
रिमोट प्लेस पे लगे हुए हैं, डेटा को वो कैच कर रहे हैं, वो डेटा क्लाउड तक जाएगा कैसे? आपको मालूम है क्लाउड का मतलब स्टोरेज भी होता है। वो डेटा क्लाउड तक पहुंचेगा कैसे? जब तक कि नेटवर्क या गेटवे का सहयोग नहीं मिलेगा। डेटा कैच करने का कोई एडवांटेज नहीं है अगर बच्चों क्लाउड तक वो पहुंचे ना, पहुंचेगा नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा। लाइव डेटा है, एनालॉग डेटा है, वो पहुंचेगा कहां पर? क्लाउड पर। क्लाउड पे जितनी भी प्रोसेसिंग है एनालिटिक्स से सब की जाएगी, और एनालिटिक्स करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा लाइव डेटा के ऊपर, जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी इनपुट्स मिलेंगे, जो भी ट्रेंड का पता चलेगा, वो पता चलने के बाद उसको तुरंत इमीडिएटली पहुंचाना है यूजर के पास, क्योंकि जो वाकई में जो कार्य करता है बच्चों वो यूजर है। तो भैया यूजर तक डेटा कैसे पहुंचेगा, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, फिर रोल आ जाएगा किसका? नेटवर्क का। यानी अगर ये नेटवर्क्स ना हो तो आईओटी की परिकल्पना असंभव है बच्चों। नेटवर्क्स ना हो तो आईओटी का संचालन संभव ही नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि आईओटी में नेटवर्क्स का क्या रोल है। ना हो, मैं आपको अब बताने चल रहा हूं कितने प्रकार के नेटवर्क्स आईओटी में यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आशा करते हैं अब आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बात। तो देखिए मेजर बच्चों जो नेटवर्क्स आपके आईओटी में यूज होते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, नैन, नेटवर्कहुड एरिया नेटवर्क, हैन, होम एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ये दिख रहा है ना बच्चों, ये देख लो कितनी कैटेगरी है, भांति भांति के नेटवर्क्स, भांति भांति के कैटेगरीज के नेटवर्क्स बच्चों एग्जिस्ट करते हैं आपके इस आईओटी आर्किटेक्चर में। आपके आईओटी में बच्चों एक नहीं है, मल्टीपल टाइप्स के नेटवर्क हैं, और उनका यूज, उनका उपयोग, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बैन, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है? इसको हम कह रहे हैं बॉडी एरिया नेटवर्क। आज बच्चों ऐसा नेटवर्क जो आपके शरीर से ही कनेक्टेड हो डायरेक्ट, जैसे आप आजकल हैंड वॉच, रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, स्मार्ट वॉच, जिसमें भांति भांति के बच्चों सेंसर्स लगे हैं, वो सेंसर्स आपके शरीर से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं, और कैप्चर करने के बाद उसको वाया नेटवर्क पहुंचा रहे हैं कहां पर? जहां भी वो स्टोर हो रहा है, क्लाउड कह लो। साहब बॉडी एरिया नेटवर्क्स एक बहुत ही कमाल की चमत्कारिक चीज है, जो आज हमें फिटनेस में, आज हमारे स्वास्थ्य की निगरानी में अत्यंत मददगार या सहयोगी साबित हो रही है। आईओटी का एक हिस्सा ये भी है। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पर्सनल एरिया। हम लोग क्या है, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके विभिन्न डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पर्सनल हॉटस्पॉट नाम ही उसका दिया जाता है। ये किस एग्जाम्पल में आएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट कल आएगा। नेटवर्कहुड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्कहुड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जिसको कि हम लोग बच्चों नैन कहते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जैसे हम लोग अपने घर में वाईफाई राउटर्स बच्चों लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? वाईफाई राउटर्स लगाते हैं, और उसकी मदद से एक रेंज ऑफ नेटवर्क बनाते हैं जिसमें डेटा ट्रांसमिशन होता है हाई स्पीड रेडियो वेव्स के द्वारा। तो क्या है, वाईफाई राउटर का पासवर्ड हो सकता है आपका पड़ोसी भी उस रेंज में आता हो, आपने उसको बता दिया, आपस में आपके सहयोग है, डेटा पड़ोसी भी यूज कर रहा है, नेटवर्कहुड एरिया नेटवर्क कह सकते हो। होम एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो आप अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, वही फिर अगेन पर्सनल वाईफाई राउटर्स की मदद से बनेगा। घर के जितने सदस्य हैं, जितने डिवाइसेस हैं, जितने उपकरण हैं, जिनको इंटरनेट की आवश्यकता है बच्चों, आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। किसकी मदद से? होम एरिया नेटवर्क्स जिन्हें हम कहते हैं, होम एरिया नेटवर्क। बात आती है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पॉपुलर कैटेगरी है ये नेटवर्क की, मैं आपको बता दूं।
लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक कैंपस के दायरे में जो चलता हो, जो प्राइवेट नेटवर्क हो। मैं आपको बताऊं बच्चों, देखा जाए तो नेटवर्क के केवल तीन स्टैंडर्ड है, लैन, वैन और बीच में मैन। बाकी तो ये सब समय के हिसाब से चीजें डेवलप होती चली गई हैं, सूचनाएं बढ़ती चली गई हैं। तो भैया लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में, आप अपने दफ्तर में, आप अपने कार्यालय में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि आप अपनी जरूरतों को, अपनी गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करा सके, कर सके, उपयोग कर सके, प्रयोग कर सके। प्रश्न उठता है कि लैन को बनाता कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन, इसका कंट्रोलर कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसका निर्माण किया है। ये प्राइवेट हाईली सिक्योर फास्ट नेटवर्क बच्चों होता है। तो उम्मीद करते हैं लैन आपको क्लियर होगा। लैन के बाद बात करता हूं मैं जो नेटवर्क है जिसका नाम है मेट्रो पॉलिटेन एरिया नेटवर्क। बच्चों ये एक स्पेशल प्रकार का हाई स्पीड नेटवर्क है जो एक शहर, एक कस्बे या एक सराउंडिंग 40, 50, 70, 80, 100 किलोमीटर के अंदर की परिधि में बना हुआ है। जैसे आपके शहर में ब्रांचेस हैं, 50, 60, 100 ब्रांचेस हैं, उनको आपस में क्या है, विशेष तौर पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से उनके बीच कनेक्टिविटी बना दी गई हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, ताकि ब्रांचेस के बीच कभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन ना हो। ऐसे नेटवर्क हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? मेट्रोपॉलिटेन एरिया नेटवर्क। बहुत ही शानदार हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी नेटवर्क होता है, लेकिन यह भी एक सीमित दायरे में होता है। लैन से बड़ा और वैन से आपका छोटा। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? यह तो नेटवर्क का एक्सट्रीम है। एक ऐसा नेटवर्क बच्चों, एक ऐसा नेटवर्क जो जो आपका पूरी कह सकते हो एक स्टेट, एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट। स्टेट का मतलब प्रदेश, कंट्री का मतलब देश, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, और या इवन वर्ल्ड में फैला हो, जिसका कोई शुरुआत नहीं हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको हम लोग ग्लोबल नेटवर्क कहते हो, जिसको हम लोग पब्लिक नेटवर्क कहते हो, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर लें। और एग्जाम्पल इसका सिर्फ एक हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। आज के डेट में इंटरनेट को आप डिफाइन जब करने जाते हो तो क्या बोलते हो कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे छोटे बड़े मझले नेटवर्क से मिलकर बना है। एक ग्लोबल, आपसे पूछा जाए कि बताइए विच वन इज द लार्जेस्ट वैन, आपका लार्जेस्ट वैन कौन होता है, तो भाई साहब एग्जाम्पल इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सारे नेटवर्क बच्चों समझ में आ गए होंगे। आईओटी में नेटवर्क्स की जरूरत क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद के साथ कि बच्चों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, मैं किसी अन्य विषय पर फिर आपसे मुलाकात करूंगा, किसी लेटेस्ट आईओटी के विषय के बारे में लेकर जानकारी आऊंगा। तब तक के लिए मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिर मिलने के वादे के साथ बच्चों नमस्कार, जय हिंद, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।